हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द जून 2021। जो हमारा कोविड-19 का पैंडेमिक है, इसके इम्पैक्ट की वजह से बहुत से टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनको फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम टू मीटिंग द सर्टेन टैक्स कंप्लाइंसेस एंड आल्सो इन फाइलिंग द रिस्पॉन्स इन द वेरियस नोटिसेस। ठीक है कि वो पूरे टाइम पर जो है टैक्स कंप्लाइंसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ना ही नोटिसेस का रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। इसी वजह से इन ऑर्डर टू ईज द कंप्लाइंस बर्डन को इजी करने के लिए इस डिफिकल्ट टाइम में रिलीफ प्रोवाइड करी गई है थ्रू द नोटिफिकेशन नंबर 74 एंड 75 डेटेड 25 जून 2021 एंड सर्कुलर इशू किया गया है सर्कुलर नंबर 12 डेटेड 25 जून 2021, जिसमें हमारी जो इनकम टैक्स की ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। चलिए देखते हैं जो हमारी एक्सटेंशन टेबल है वो हमारी एक्सटेंशन टेबल क्या है न्यू ड्यू डेट की। ठीक है, वन आता है ऑब्जेक्शन टू द डीआरपी एंड द एओ, उसका जो सेक्शन नंबर 144C के अंदर एक्सटेंडेड ड्यू डेट जो है वो हमारी 31 अगस्त 2021 कर दी गई है एंड स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर द लास्ट क्वार्टर की जो ड्यू डेट है वो 15 जुलाई 2021 है। नाउ द सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन द फॉर्म नंबर 16 की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2021 है। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ इनकम टैक्स पेड और क्रेडिटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर फॉर्म नंबर 64D की जो ड्यू डेट है वो 15 जुलाई 2021 है एंड जो हमारा फॉर्म नंबर 64C है उसकी डेट जो है वो 31 जुलाई 2021 है। नाउ द नेक्स्ट इज दैट एप्लीकेशन इज फॉर्म नंबर 10A, 10AB फॉर द रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, इंटीमेशन, अप्रूवल, प्रोविजनल अप्रूवल ऑफ द ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एसोसिएशन, इस सब की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई कर दी गई है। नाउ द कंप्लाइंसेस टू बी मेड बाय द टैक्स पेयर सच एज द इन्वेस्टमेंट करिए या फिर डिपॉजिट, पेमेंट, एक्विजिशन कराए या फिर परचेज और कंस्ट्रक्शन और सच अदर एक्शन जो भी ये सब जो किए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 एंड 54B, इससे रिलेटेड जो भी हमारे इस एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन, इनकी जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड होके 30 सितंबर 2021 कर दी गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द क्वार्टरली स्टेटमेंट इन द फॉर्म नंबर 15CC टू बी फर्निश्ड बाय द ऑथराइज्ड डीलर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंस मेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2021। फॉर्म नंबर 15CC की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2021 कर दी गई है एंड इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 1, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, इसकी जो ड्यू डेट है इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट की वो 31 जुलाई 2021 हो गई है। नाउ द एनुअल स्टेटमेंट रिक्वायर टू बी फर्निश बाय द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड फॉर्म नंबर 3CEK, ठीक है, इनकी जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड होके 31 जुलाई हो गई है। नाउ द अपलोडिंग ऑफ द डिक्लेरेशन रिसीव फ्रॉम द रिसिपेंट इन फॉर्म नंबर 15G और 15H का जो फॉर्म है उसकी जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त हो गई है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज दैट जो है हमारा एक्साइजिंग ऑफ ऑप्शन टू विड्रॉ द पेंडिंग एप्लीकेशन, ठीक है, पेंडिंग एप्लीकेशन को विड्रॉ करने की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड होके 31 जुलाई 2021 हो गई है। लास्ट डेट ऑफ लिंकेज ऑफ द आधार एंड पैन, आधार विद पैन जो लिंक करने की, आधार को लिंक करने की पैन के साथ में जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड होके 30 सितंबर कर दी गई है एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट अंडर विवाद से विश्वास की जो डेट है वो 31 अगस्त 2021
हो गई है, ठीक है, चाहे वो विदाउट एडिशनल अमाउंट है या फिर वो विद एडिशनल अमाउंट है, ठीक है। नाउ कम टू द टाइम लिमिट फॉर पासिंग द असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर पास करने की जो टाइम लिमिट है वो कब तक की हो गई है, अब 30 सितंबर 2021 तक हम असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकते हैं। नाउ द टाइम लिमिट फॉर पासिंग द पेनल्टी ऑर्डर, पेनल्टी ऑर्डर की जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर है, एंड टाइम लिमिट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी रिटर्न, उसकी जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2021 है। यही सारी ड्यू डेट है जो कि हमारी एक्सटेंड हो गई होगी। आई होप सो आपने सब देख लिया होगा। इसका पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो much.